गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और ये JEE और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? सरफेस केमिस्ट्री। कुछ स्टूडेंट की डिमांड आई थी, सर थोड़ा सा 11th के जो स्टूडेंट्स हैं वो थोड़ा फास्ट पढ़ा दो, तो मैं इसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट वाइज ले रहा हूँ ताकि आपको इसमें मैक्सिमम जो है पॉइंट टू पॉइंट JEE और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट कवर हो जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले याद रखेंगे सरफेस केमिस्ट्री में हमको तीन टॉपिक्स पढ़ने के बेटा, एक पढ़ना है एड्सॉर्प्शन, एक पढ़ना है कोलाइड्स और एक पढ़ना है कैटालिसिस। ओके, तीन टर्म्स पढ़ने के, तीनों के कॉन्सेप्ट पढ़ने के, तीनों के मीनिंग से रिलेटेड टर्म्स पढ़ने के। तो सबसे पहली जो टर्म है वो है एड्सॉर्प्शन। अब यहाँ पर एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एड्सॉर्प्शन? ओके, वी आर स्टार्टिंग विद दिस टर्म एड्सॉर्प्शन। तो यू रिमेंबर, एड्सॉर्प्शन एक ऐसा फेनोमेना है जिसमें एक सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर दूसरी सब्सटेंस जो है कलेक्ट हो जाती है, जमा हो जाती है। द फेनोमेना ऑफ कलेक्शन, द फेनोमेना ऑफ कलेक्शन, द फेनोमेना ऑफ कलेक्शन ऑफ one substance on the surface of other substance, on the collection of one substance on the surface of other substance. अगर एक substance दूसरे substance के ऊपर collect हो जाती है तो इस phenomena को हम कहेंगे एड्सॉर्प्शन। अब जाहिर सी बात है इट इज़ अ पार्ट ऑफ सरफेस केमिस्ट्री, दैट्स वाई वी कैन से इट इज़ अ सरफेस फेनोमेना। इट इज़ अ विच फेनोमेना? सरफेस फेनोमेना, ठीक है ना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि ये एक कोई वुडन मटेरियल है या आयरन का ब्लॉक है, इस आयरन के ब्लॉक को अगर आप रख देंगे काफ़ी दिनों तक तो आप देख सकते हैं कि लॉट ऑफ डस्ट पार्टिकल गेट कलेक्टेड ऑन द सरफेस ऑफ दिस आयरन ब्लॉक। तो जाहिर सी बात है ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये सरफेस के ऊपर गैदर हो गए लेकिन बल्क में नहीं गए। ओके, तो हमेशा याद रखना कि इट इज़ अ सरफेस फेनोमेना। इट इज़ अ विच फेनोमेना? सरफेस। दैट्स वाई वी कैन से द फेनोमेना ऑफ कलेक्शन ऑफ वन सब्सटेंस on the surface of other substance we called it as a adsorption and it is a surface phenomena. ab koi bhi adsorption ka phenomena ho, is adsorption ke phenomena mein do substances involved hai, ek wo jo collect ho rahi hai, okay, to is collect hone wali substance ko hum bolenge adsorbate, okay। to yahan par jaise maine bola wooden block ya आयरन ब्लॉक के ऊपर जो डस्ट पार्टिकल है ये क्या कहलाएंगे? एड्सॉर्बेट। द सब्सटेंस विच गेट कलेक्टेड ऑन अनदर सब्सटेंस, तो ये सब्सटेंस एड्सॉर्बेट, और जिसके ऊपर ये फेनोमेना हो रहा है इसको हम बोलेंगे एड्सॉर्बेंट। ओके, इसको क्या बोलेंगे बेटा? एड्सॉर्बेंट बोलेंगे। ओके, तो एक हो गई एड्सॉर्बेट और एक हो गई एड्सॉर्बेंट। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं द फेनोमेना ऑफ कलेक्शन ऑफ adsorbate on the surface of adsorbent is called as what? Adsorption. The phenomena of collection of adsorbate on adsorbent is called as what? Adsorption. Okay, ये definition भी बन सकती। ये तो एक मैंने example, ordinary examples बताया, जैसे collection of dust on the surface of wooden or iron block. ओके, इट्स अ कॉमन डेली लाइफ एग्जाम्पल। ओके, डस्ट ऑन आयरन सरफेस, ओके, यू रिमेंबर इट। लेकिन हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि अमोनिया को चारकोल, चारकोल मीन्स वी कैन से लाइक कोयला। ओके, तो चारकोल के ऊपर जब अमोनिया गैस एक चैम्बर में पास करें तो चारकोल के सरफेस के ऊपर अमोनिया एड्सॉर्ब हो जाएगी। तो
absorption of ammonia on the surface of charcoal. तो अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि चारकोल क्या हो गया फिर? चारकोल इज वॉट? एड्सॉर्बेंट. ओके, हम मैं मान लेता हूँ कि दिस इज अ चारकोल, इट एक्ट एज अ एड्सॉर्बेंट एंड दिस इज अमोनिया एक्ट एज ए एड्सॉर्बेंट. ओके, तो याद रखेंगे कि एड्सॉर्प्शन इज अ सरफेस फेनोमेना. तो यू जस्ट नोट डाउन इट, आई स्टार्ट अनदर टॉपिक. नाउ हम अनदर कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं. एड्सॉर्प्शन में हम और भी कुछ टर्म्स को एडिशनली याद रखेंगे कि एड्सॉर्प्शन जो होता है ना, ये दो सब्सटेंसेस के सरफेस से का इंटरैक्टिव अटैचमेंट होता है. और ये जो इंटरैक्टिव फोर्स होता है, जैसे मैंने कहा ये सब्सटेंस है और ये सब्सटेंस है, इन दोनों सब्सटेंस में जाहिर सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो जनरेट हुआ होगा. तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो केमिकल फोर्स भी हो सकता है और फिजिकल फोर्स भी होता है, ठीक है ना. तो ये जो दोनों के बीच का एरिया होता है यहाँ पर, इसको हम बोलेंगे इंटरफेस बोलते हैं इसे. क्या बोलते हैं बोलिए? इट इज कॉल्ड एज व्हाट? इंटरफेस. ठीक है, अब मैं कुछ एडिशनल इंफॉर्मेटिव टर्म्स के ऊपर आता हूँ. जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं एक न्यू टर्म एड्सॉर्प्शन के अलावा, मैं एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय एब्जॉर्प्शन जी, क्योंकि ये एक कॉमन वर्ड है जो सभी स्टूडेंट ने सुने होंगे. तो एब्जॉर्प्शन इज अ फेनोमेना ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ वन सब्सटेंस इनसाइड द बल्क ऑफ अदर. यानी एब्जॉर्प्शन इज अ फेनोमेना ऑफ पेनिट्रेशन. ओके, व्हाट आई एम राइटिंग, पेनिट्रेशन ऑफ वन सब्सटेंस. हमको पढ़ना नहीं है बेटा ये, बट कंपैरेटिव समझना चाहिए कि इनसाइड द बल्क ऑफ अदर सब्सटेंस. अगर कोई चीज एक सब्सटेंस के कंप्लीटली अंदर तक चले जाती है तो इसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन. बेस्ट एग्जांपल है, अगर स्पंज को आपने पानी में लिया, पानी में डाला, तो स्पंज के अंदर पूरा पानी जो है इंटर कर जाता है. तो ये जो पेनिट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द स्पंज इज एन एग्जांपल ऑफ एब्जॉर्प्शन. ओके, नाउ यू रिमेंबर अनदर टर्म आई एम टेकिंग, डिसरप्शन. ओके, अब एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या होता बोलो? कलेक्शन ऑफ वन सब्सटेंस इनसाइड दी ऑन द सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड एज एब्सॉर्प्शन. लेकिन डिसरप्शन का मतलब क्या हो रहा कि द फेनोमेना ऑफ रिमूवल, अगर जो सब्सटेंस एड्सॉर्ब हुई है ना, वो रिमूव हो जाती है कोई रीजन से, है ना. द फेनोमेना ऑफ रिमूवल ऑफ वन सब्सटेंस from the surface of other substance, from the surface of other substance, surface of क्या बोला बेटा मैंने, other substance, ठीक है ना. तो ऐसे फेनामेना को हम बोलेंगे disruption. Adsorption में interactive force generate हो रहा है दो substances के बीच में, और disruption में ये जो force of attraction था, whether it is a physical force और अ केमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो ख़त्म हो रहा है. तो दोनों चीज़ें अलग अलग हो रही है, तो इस फेनोमेना को हम बोलेंगे डिसरप्शन. यानी एड्सॉर्प्शन का उल्टा है डिसरप्शन, ठीक है ना. एक और टर्म आप पढ़ते हो कि डैट इज कॉल्ड एज ऑक्लूजन. ओके, अब ये जो है ना, ऑक्लूजन का मतलब क्या होता, आपने ये गैसियस स्टेट में पढ़ना है थोड़ा सा शॉर्ट में. तो ऑक्लूजन का मतलब क्या होता कि अगर मान लीजिए एक जो गैस है, ठीक है ना, एक गैस
मेटल के ऊपर अगर एड्सॉर्ब हो गई, ठीक है ना, काय के ऊपर एड्सॉर्ब भी बोलिए, मेटल के ऊपर, तो उसके लिए जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं, डैट टर्म वी यूज ऑक्लूजन. तो ऑक्लूजन इज नथिंग बट द फेनोमेना इन विच वन मेटल कैन, वन गैस कैन बी एड्सॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ मेटल. तो यहाँ पर सिंपली याद रखेंगे, एड्सॉर्प्शन ऑफ मेटल, एड्सॉर्प्शन ऑफ मेटल ऑन द सरफेस ऑफ मेटल, एड्सॉर्प्शन ऑफ, आई एम सॉरी, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस बेटा, सॉरी, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल. अगर कोई भी गैस मेटल के सरफेस के ऊपर एड्सॉर्ब होती है ना, तो ये जो फेनोमेना है इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करेंगे ऑक्लूजन, ठीक है ना. अब एक और टर्म है जिसको बोलते हैं हम सोरप्शन. मैं ये टर्म्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सिलेबस क्विकली कवर हो जाए. सोरप्शन का मतलब क्या, कई बार ऐसा भी होता है कि एक सब्सटेंस सरफेस के ऊपर भी कलेक्ट हो गई और बल्क में भी चले गई. सरफेस के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है और बल्क के अंदर कम कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है ना. लेकिन कलेक्शन हो सकता है या उल्टा भी हो सकता है कि बल्क में ज़्यादा और सरफेस पर कम. तो अगर किसी दो सब्सटेंसेस में इंट्रैक्शन प्रोड्यूस हुआ और दोनों फेनोमेना आपको दिख रहे हैं कि भाई एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन साइमल्टेनियसली एक साथ हो रहे हैं, है ना, तो हम ऐसे फेनोमेना को बोलेंगे सोरप्शन. व्हेन एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन क्या है, कलेक्शन ऑफ वन सब्सटेंस ऑन द सरफेस ऑफ अदर सब्सटेंस, है ना. और एब्जॉर्प्शन क्या है, पेनिट्रेशन ऑफ वन सब्सटेंस इनसाइड द बल्क ऑफ, यानी अंदर तक चले जाना, है ना. दोनों अगर टेक प्लेस साइमल्टेनियसली, टेक प्लेस क्या बोला मैंने, बोलो साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है बोलिए, एक साथ, देन इट इज कॉल्ड एज सोरप्शन, इट इज कॉल्ड एज सोरप्शन. ये सब टर्म जो है अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, हमें याद रखना है, ठीक है ना. तो इसे हम क्या कहेंगे बोलो, सोरप्शन. तो मैंने आपको एड्सॉर्प्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया कि भाई एक सब्सटेंस कुछ फिजिकल अट्रैक्टिव फोर्स से दूसरे सब्सटेंस के सरफेस के ऊपर कलेक्ट हो गई, उसे आप कहेंगे एड्सॉर्प्शन. उसमें एक होता है एड्सॉर्बेंट और एक होता है एड्सॉर्बेंट, इसलिए हम ऐसा भी बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ एड्सॉर्बेंट ऑन द सरफेस ऑफ एड्सॉर्बेंट इज कॉल्ड एज एड्सॉर्प्शन. और ये एक सरफेस फेनोमेना है और दो सब्सटेंस के बीच में जो कॉन्सेंट्रेशन लेयर डेवलप होती है उसे इंटरफेस कहते हैं, ठीक है ना. इंटरफेस पे कॉन्सेंट्रेशन हमेशा ज़्यादा रहता है बल्क के कंपेयर में एड्सॉर्प्शन में. उसके बाद एब्जॉर्प्शन एक अलग प्रोसेस है कि अगर एक सब्सटेंस कम्प्लीटली डेप्थ तक इंटर कर गई किसी सब्सटेंस के, जैसे स्पंज में पानी चले जाता है, उसके लिए हम एब्जॉर्प्शन टर्म इस्तेमाल करेंगे. उसके बाद डिसरप्शन क्या, कई बार एड्सॉर्प्शन होता है तो एड्सॉर्प्शन जो है वो मतलब लॉस हो जाता है, या एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सरफेस से हटना शुरू हो जाती है, प्रेशर चेंज हो गया या टेम्परेचर बढ़ गया अलग अलग कंडीशनल रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो इस फेनोमेना को हम बोलेंगे डिसरप्शन, ठीक है ना. ऑक्लूजन क्या है कि भाई एक गैस अगर आपने लिए और मेटल को एक वेजल में लिए और गैस को पास करे, तो मेटल के सरफेस के ऊपर गैस जो है कलेक्ट हो जाती है, और हो सकता है कि अगर गैस में कुछ एंटी स्पेसिस है तो वहाँ भी जाकर कलेक्ट हो जाती है. तो इस फेनोमेना को हम बोलते हैं ऑक्लूजन. इस फेनोमेना को क्या बोलेंगे आप, ऑक्लूजन, याद रखना है. और सोरप्शन क्या होता है कि अगर कोई ऐसा नेचुरल फेनोमेना हो रहा जहाँ पर सरफेस के ऊपर भी सब्सटेंस जमा हो गई, बल्क में भी चले गई, तो उसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करेंगे सोरप्शन. ओके, तो यू रिमेंबर ऑल दिस टर्म्स, दीज आर वैल्यूएबल टर्म्स. ओके, राइट इट डाउन एज अर्ली एज पॉसिबल. ओके, अब हम आगे चलते हैं और आगे जो है बहुत इम्पॉर्टेंट बातें मैं आपको एड्सॉर्प्शन से रिलेटेड बता रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो एड्सॉर्प्शन पर है. तो अभी मैंने जैसे आपको बताया एड्सॉर्प्शन के बारे में कि एड्सॉर्प्शन जो है ये एक सरफेस फेनोमेना है, सबसे पहली बात तो याद रखेंगे. ओके, इट इज़ अ कौन सा फेनोमेना, सरफेस फेनोमेना. सरफेस का मतलब क्या होता है बेटा, सरफेस पर होने वाला,
सरफेस पर होने वाला। अब यहाँ पर जो भी एड्सॉर्प्शन है ना, इसको मैं दो टाइप से क्लासिफाई कर सकता हूँ। एड्सॉर्प्शन इज क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी क्लासेस, टू क्लासेस। एक होता है पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, एक कौन सा एड्सॉर्प्शन होता है बोलिए, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन, एक होता है निगेटिव एड्सॉर्प्शन। हमारे को ज्यादातर जो है पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। अगर मान लीजिए कोई सब्सटेंस सरफेस के ऊपर ज्यादा कलेक्ट हो गई और बल्क में कम कलेक्ट हो गई, सरफेस के ऊपर ज्यादा और बल्क में कम, है ना, जैसे तो KCl को अगर तुमने ब्लड के साथ शेक करे तो KCl जो होता है ना वो ब्लड के सरफेस के ऊपर ज्यादा कलेक्ट हो जाता है और सेल के अंदर बहुत कम जाता है, तो इसको अपन बोलेंगे पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। एग्जांपल एड्सॉर्प्शन ऑफ KCl है ना, एड्सॉर्प्शन, आई एम सॉरी, ठीक है ना, एड्सॉर्प्शन ऑफ KCl पोटेशियम क्लोराइड ऑन ब्लड, ठीक है ना। यहाँ पर आप याद रखेंगे कि इस एड्सॉर्प्शन में मतलब सरफेस के ऊपर ज़्यादा अमाउंट में वो कंपाउंड या सब्सटेंस कलेक्ट हो जाएगा, बल्क में यानी अंदर में कम रहेगा, इसको बोलेंगे पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। बट डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये हो गया कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अगर आपने कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ KCl लिया तो कौन सा एड्सॉर्प्शन दिखेगा आपको, पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे तो क्या होगा, इन केस ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन KCl ब्लड में ज़्यादा इंटर हो जाएगा ड्यू टू ऑस्मोसिस, मतलब लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन में ब्लड सेल के अंदर चला जाएगा, इसको ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ठीक है ना, डाइल्यूट लिया, डाइल्यूट मतलब कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो है, तो ऐसे केस में एड्सॉर्प्शन ऑफ डाइल्यूट KCl ऑन ब्लड, तो ब्लड के अंदर ब्लड सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल, जो ब्लड होता है उसमें ब्लड सेल में पोरेसिटी होती है कि कंपाउंड इंटर करेगा कि नहीं करेगा, वो जो ब्लड सेल वॉल होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, वो अलाउ भी करती है नहीं भी अलाउ करती है, तो कॉन्सेंट्रेटेड KCl को अलाउ नहीं करेंगे तो सरफेस पे बहुत ज़्यादा गैदर हो जाएगा वो, लेकिन डाइल्यूट को अलाउ करेंगे तो डाइल्यूट KCl अंदर चला जाएगा तो बल्क में कम रहेगा, तो ऐसे एड्सॉर्प्शन को हम क्या बोलेंगे, निगेटिव एड्सॉर्प्शन। तो आप पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या समझे, व्हेन अ सब्सटेंस गेट कलेक्टेड इन सच अ वे दैट इट इज सर्फ ऑन द सर्फेस इट इज इन हायर कॉन्सेंट्रेशन बट इन साइड द बल्क इट इज इन लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव एड्सॉर्प्शन। लेकिन निगेटिव एड्सॉर्प्शन में सरफेस के ऊपर कम है, सॉरी सरफेस के ऊपर कम है लेकिन बल्क में ज्यादा है, तो इसे कहेंगे निगेटिव एड्सॉर्प्शन। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ मैं कि एड्सॉर्प्शन जो है, ठीक है ना, इसका अगर नेचर आप देखेंगे तो ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है ना। एड्सॉर्प्शन को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर याद रखेंगे कि अगर कोई भी सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के ऊपर कलेक्ट हो रही तो बॉन्ड बन रहा है और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड रिलीजेस एनर्जी, डैट्स वाई इट इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो एंथैल्पी का चेंज है ना हर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, ठीक है, ये निगेटिव होता है तो इट इज़ अ एक्सोथर्मिक फेनोमेना। और एक बात, ये नेचुरल प्रोसेस है, आप देखते होंगे कि डस्ट जो है टेबल के ऊपर जमा हो गया या एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के ऊपर ऑटोमेटिकली अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से कलेक्ट हो गई, तो ये एक नेचुरल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और हम मानेंगे कि क्योंकि ये एक खुद से होने वाला फेनोमेना है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होता है ना उसमें आप थर्मोडायनामिक्स में देखे होंगे कि जो एंट्रोपी का चेंज होता है, रैंडमनेस कम हो रहा है ना, अगर एक गैस एक सब्सटेंस के ऊपर कलेक्ट हुई तो गैस पहले फैली हुई थी अब जाकर कलेक्ट हो गई तो रैंडमनेस कम हो रहा है तो एंट्रोपी का चेंज क्या होगा, निगेटिव। और क्योंकि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है उसके लिए गिब्स एनर्जी का चेंज निगेटिव होता है,
ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, डेल एच भी निगेटिव है क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, रैंडमनेस कम हो रहा है ना, इसीलिए डेल एस इज ऑल्सो निगेटिव एंड बिकॉज इट इज़ अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और हर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में गिब्स एनर्जी का चेंज क्या मानते हैं बेटा, निगेटिव मानते हैं। ओके, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, जस्ट यू नोट डाउन इट। अब उसके बाद में जो मैंने आपको बोला कि एड्सॉर्प्शन को हम दो ब्रॉड क्लासेस में डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तो क्लासिफिकेशन हो गया पॉजिटिव और निगेटिव एड्सॉर्प्शन, ठीक है ना, बल्क में कितना है, सरफेस पे कितना है। तो एड्सॉर्प्शन को हम इंट्रैक्टिव फोर्स के हिसाब से, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पर, ठीक है ना, क्योंकि दो सब्सटेंस में कुछ ना कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा ना बेटा। और ये जो फोर्स है, फिजिकल फोर्स भी हो सकता है, केमिकल फोर्स भी हो सकता है, मतलब जस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकता है, लेकिन कई बार केमिकल बॉन्ड भी बन जाता। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पर हम अभी क्लासिफिकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एड्सॉर्प्शन को दो बड़े क्लासेस में डिवाइड कर देंगे। एक एड्सॉर्प्शन को हम बोलते हैं केमिसोर्प्शन, क्या बोलेंगे बोलो, केमिसोर्प्शन और केमिकल एड्सॉर्प्शन। केमिसोर्प्शन और क्या बोलेंगे आप, केमिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है। और जो दूसरा एड्सॉर्प्शन का टाइप है वो है फिजीसोर्प्शन, क्या है बोलिए, फिजीसोर्प्शन और फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है। और क्या बोला मैंने, फिजीसोर्प्शन और फिजिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट्स याद रखने कि केमिकल एड्सॉर्प्शन में जो दो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ठीक है ना, एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, ये एक फिजिकल फोर्स होता है, जैसे वान डर वाल फोर्स, ठीक है ना, डायपोल डायपोल इंट्रैक्शन, यानी बिना इलेक्ट्रॉन का फोर्स होता है। तो आप याद रखेंगे कि ज़्यादातर वान डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक फोर्स होता है दो सब्सटेंसेस के बीच में, इसलिए इसको वान डर वाल एड्सॉर्प्शन भी बोलते हैं। तो यहाँ पर फिजिकल फोर्सेस होते हैं करके याद रखेंगे, ठीक है ना। जबकि केमिकल एड्सॉर्प्शन में जो दो सब्सटेंसेस इन्वॉल्व है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सब्सटेंस, आई एम सॉरी, एड्सॉर्बेंट एंड बोलिए एड्सॉर्बेंट, इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है केमिकल बॉन्ड्स, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है ना, अलग अलग टाइप के पॉसिबल बॉन्ड होते हैं। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एड्सॉर्प्शन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस और हर एक्सोथर्मिक प्रोसेस में हीट इवॉल्व होंगी, लेकिन फिजिकल एड्सॉर्प्शन में लो हीट इवॉल्व होंगी और केमिकल एड्सॉर्प्शन में हाई हीट इवॉल्व होंगी। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हीट इवॉल्व है ना, ये ज़्यादा नहीं होंगी बेटा, ये 20 से 40 किलो जूल पर मोल होगी, ठीक है। जबकि यहाँ पर भी हीट इवॉल्व होंगी क्योंकि ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ पर जो हीट इवॉल्व होंगी उसका इंटेंसिटी ज़्यादा रहेगा, 40 से लेकर 400 किलो जूल, 40 से लेकर 400 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हीट का भी डिफरेंस है। उसके बाद ये जो है ना लो टेम्परेचर पे टेक प्लेस होगा, ये हाई टेम्परेचर पे, ये लो प्रेशर पे होगा, ये हाई प्रेशर पे होगा, है ना, क्योंकि ये केमिकल रिएक्शन जैसा सिस्टम है, ये एक केमिकल रिएक्शन जैसा सिस्टम नहीं है। और इसको स्टार्टअप करने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, द एनर्जी विच कैन एक्टिवेट द प्रोसेस, लेकिन इसके लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन लगेंगी जो कि किसी रिएक्टेंट को एक मैक्सिमम एनर्जी स्टेट तक पहुंचाएंगी जब वो कॉम्प्लेक्स बनाएगा ट्रांजिशन स्टेट में जाकर। तो यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी नहीं लगेंगी, यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी लगेंगी। ये स्पेसिफिक नहीं होता है, ये स्पेसिफिक होता है,
यानी फिजिकल एड्सॉर्प्शन इज नॉन स्पेसिफिक, केमिकल एड्सॉर्प्शन इज अ स्पेसिफिक। ये मल्टी लेयर प्रोसेस है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि भाई टेबल के ऊपर डस्ट जमते जा रहा, तो एड्सॉर्बेंट के एक सरफेस के ऊपर एड्सॉर्बेंट के कई सरफेस जम गए, तो ये मल्टी लेयर फेनामेना है, ये मोनो लेयर फेनामेना है। एक बार रिएक्शन हो गई एड्सॉर्बेंट और एड्सॉर्बेंट के बीच में, तो यहाँ बाद में नहीं होंगी, ठीक है ना। और मतलब ये सब जो पॉइंट्स है यू हैव टू रिमेंबर फॉर फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड केमिकल एड्सॉर्प्शन, ठीक है ना। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एड्सॉर्प्शन को हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से कितने क्लासेस में डिवाइड कर दिया, दो क्लासेस में। अब ये जो है ना, ये रिवर्सिबल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों चीज़ें इंट्रैक्ट नहीं करी, तो ये रिवर्सिबल हो सकता है, ये रिवर्सिबल होता है। तो मैंने ऐसे बहुत से ओरली पॉइंट बताया, यू जस्ट रिवाइज माई वीडियोज एंड टेक द रिविजन ऑफ दिस टॉपिक, ओके। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि आज हमने बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया, एंड आई एम टेकिंग स्लाइटली फास्ट बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड मैक्सिमम, है ना, ठीक है ना। तो ये याद रख लेना कि एड्सॉर्प्शन इज नथिंग बट द कलेक्शन एंड रिटेंशन ऑफ वन सब्सटेंस ऑन द सर्फेस ऑफ अदर सब्सटेंस, ठीक है ना। कुछ सब्सटेंस बल्क में जाएगी, बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एड्सॉर्बेंट ऑन द सर्फेस ऑफ एड्सॉर्बेंट इज मैक्सिमम। डेट्स वाई एड्सॉर्प्शन इज अ इम्पॉर्टेंट फेनोमेना विच इज ऑलवेज रिलेटेड विद द सर्फेस, ठीक है ना। तो दिस इज अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एड्सॉर्प्शन। नाउ वी कैन कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो अनदर कंटिन्यू टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ओके, ऑफ एड्सॉर्प्शन। थैंक यू स्टूडेंट। मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि मेरे नए वीडियोज़ आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।